आप एक काम करो, केबल बाजू डालो, बाजू डाल सकते हैं ना, बाजू पानी रहा करंट आज घरों में पास करंट जाता, लोग मजा पानी का थोड़ा करंट जाता आपका अभी भी वही बोल रहा हूँ। यहाँ देख रहे हैं आप, छोटा भाई बोल रहे हैं, डेढ़ फीट ले लो ना, डेढ़ फीट आगे ले लीजिए, उधर कोने में से डाल दो भाई, बाइक के ऊपर से नहीं आना। चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र के शालीबंडा डिवीजन के आशा टाकिस इलाके में तेज गति से नई सीवरेज की पाइपलाइन बिछाने के कार्य हो रहे हैं। वाटर वर्क्स अधिकारियों ने कहा यह कार्य समाप्त होने पर 4000 घर वालों को बड़ी राहत मिलेगी। ये कार्य 3 वर्ष से लंबित थे। यहाँ के निवासियों को बड़ी ही समस्या का सामना था। एआईएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन अवेसी को यहाँ के निवासियों ने अनुरोध किया कि नई सीवरेज की पाइपलाइन बिछाई जाए, बेहद ही दिक्कतों का सामना है, लेकिन ये कार्य रमजान के पवित्र महीने से पहले ही समाप्त करवाए जाए। असदुद्दीन अवेसी ने तुरंत ही एक दिन में ही वाटरवर्क्स विभाग से ये कार्य स्वीकृत करवाए। ये कार्य शुरू हो गए हैं, 2 दिन में ये कार्य अब समाप्त हो जाएंगे। वहीं असदुद्दीन अवेसी ने ये सीवरेज के कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करने एआईएमएम के चारमीनार के विधायक जुल्फ़िकार अली को भी निर्देश दिया। विधायक जुल्फ़िकार अली देर रात गए चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र के आशा टाकिस इलाके में प्रवेश किए और बारीकी से निरीक्षण किया। ये कार्य जब चल रहे थे, सीवरेज की नई पाइपलाइन जो बिछाई गई है उस पर ही इलेक्ट्रिक केबल का वायर भी बिछाया गया था। विधायक ने तुरंत ही हस्तक्षेप किया और इलेक्ट्रिक केबल को हटाने के लिए इलेक्ट्रिक केबल के कॉन्ट्रैक्टर को निर्देश दिया। विधायक ने कहा सीवरेज की पाइपलाइन पर अगर इलेक्ट्रिक केबल बिछाया जाएगा, जिसके कारण बड़ा खतरा होने की आशंका थी। विधायक के निर्देश के बाद इलेक्ट्रिक केबल कॉन्ट्रैक्टर ने तुरंत ही केबल वायर को वहाँ से हटा दिया। इस समय विधायक जुल्फ़िकार अली ने यही कहा, एआईएमआईएम पार्टी का यही उद्देश्य है, जनता को सहायता मिलनी चाहिए कार्यों से, और आज एआईएमआईएम पार्टी द्वारा सीवरेज की नई पाइपलाइन बिछाने के कार्य करवाए जा रहे हैं। इसके कारण 4000 घर को बड़ी राहत इन कार्यों से मिलेंगी। एआईएमआईएम पार्टी हमेशा से ही जनहित में कार्य करवाती है। सीवरेज की नई पाइपलाइन बिछाने के कार्यों पर क्षेत्रवासियों ने एआईएमआईएम पार्टी का दिल से धन्यवाद किया। क्षेत्रवासियों ने कहा जिसको कोई नहीं पूछा उनको असदुद्दीन अवेसी ने पूछा है, और आज 2 दिन में ही कार्य शुरू हो गए हैं, 1 दिन में ही एस्टीमेट स्वीकृत हुआ है, हम कल्पना नहीं कर सकते। क्षेत्रवासियों ने यह भी कहा 4000 घर सिर्फ मुसलमानों के नहीं, हिंदू समुदाय के लोगों के भी है, कोई भेदभाव नहीं, सभी को इसका लाभ मिलेगा। ये कार्य हो रहे हैं तो हमारी इच्छा अनुसार हो रहे हैं। हमारे बीच विधायक उपस्थित है, नगर सेवक उपस्थित है, ऐसा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलता जो एआईएमआईएम के विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और इस निरीक्षण के समय एआईएमआईएम के विधायक जुल्फ़िकार अली के साथ एआईएमआईएम के शालीबंडे के नगर सेवक मुस्तफा अली मुजफ्फर एवं वाटर वर्क्स विभाग इलेक्ट्रिक विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट भारत की तरक्की। जाता ना पानी में घरों में
अलग कर दिया क्या मतलब मेन लाइन है उसके ऊपर से जा रहा है जनू भाई शाम बोल रहे ना जल मेन लाइन ही वाटर वर्क्स वाले आके 1 बजे रात को ठहरे हुए पता नहीं क्या से टाइम दो भाई एस्टिमेट बढ़वा के पैसे दिला दो भाई वैसा नहीं साहब वहाँ से क्या जा रहा है साहब अरे अब 7 को निकाले तो कभी निकल जाता क्या है अरे निकालो खुद आप पैसे लगेंगे दे देंगे पैसे कराते बोले ना मामू आप वहाँ से आप पैसों की आप बोलने के बाद कोई बहुत बड़ी बात होगी निकालो निकालो निकाल के दिलाएंगे देख ले जा भाई उससे हाँ देख लिया तो वहाँ तक जाके देख के थोड़ा ऐसा हटा लो हटा लो चाहूँगा थोड़ा एस्टिमेट बढ़वा देंगे आपका कुछ तो मैं करा के देता हूँ आपको एस्टिमेट करा के देता हूँ परेशान हो रहे हैं